नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा अपडेट, सबसे पहले सबसे तेज। कनीना स्कूल हादसे मामले में उन्हानी गांव में न्याय महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें महेंद्रगढ़ जिले के सरपंच, सरपंच प्रतिनिधि, प्रबुद्ध लोगों व सामाजिक संगठनों के लोगों ने हिस्सा लिया। न्याय महापंचायत में वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे और कहा कि बीते 11 अप्रैल को जीएल स्कूल की बस से सड़क हादसे में 6 छात्रों की मौत हो गई थी और अनेकों छात्र घायल हुए थे। गुस्साए ग्रामीणों ने कहा कि घटना को एक माह बीत गया है, लेकिन अभी तक स्कूल का डायरेक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है और पीड़ित परिवारों को सरकार की ओर से कोई आर्थिक मदद नहीं की है। गौरतलब है कि पुलिस ने इस मामले में अभी तक ड्राइवर, प्रिंसिपल, सचिव व चेयरमैन सहित कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। न्याय महापंचायत के अध्यक्ष अतर लाल ने बताया कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाने के लिए 6 प्रस्ताव पास हुए हैं, जिनमें इस सड़क हादसे की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराई जाए। एफआईआर के अनुसार स्कूल का मैनेजिंग डायरेक्टर को पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है, उसे गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने कहा कि सीएम नायब सैनी के द्वारा 3 बार जिले में आने के बाद भी मृतक छात्रों के परिजनों की कोई आर्थिक सहायता नहीं की है। मृतकों छात्रों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए व घायल छात्रों को 50-50 लाख आर्थिक सहायता दी जाए। स्कूल के चेयरमैन राजेंद्र सिंह लोढ़ा को ग्रीवेंस कमेटी के सदस्य से हटाया जाए। स्कूल की मान्यता को रद्द किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने 17 मई तक इन मांगों को नहीं माना तो एसडीएम कार्यालय का घेराव किया जाएगा। इसमें स्कूल का जो सुभाष है और एक था जयप्रकाश यादव, सुभाष का भाई, ये दो स्कूल चलाते थे। जब भी जाते थे तो ये दोनों ही बात करते थे, दोनों ही हेड थे और ये दोनों बाहर हैं। जो पकड़े हैं वो होशियार है, वो तो गाड़ी वाड़ी धोता है, वो तो कभी स्कूल में देखा ही नहीं। जो मैन है वो आज भी बाहर है। मेरी यही मांग है कि उनको अंदर करें। एक का तो एफआईआर में भी नाम नहीं है, जो जयप्रकाश यादव का, उसका एफआईआर में नाम हो और उसको भी अरेस्ट किया जाए। इन दोनों को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए, यही मेरी मांग है। मैं संजय शर्मा, गांव झाड़ली। मेरा एक बेटा युवराज था, जो सड़क हादसे में एक्सपायर हो गया और 3 बच्चे और थे मेरे गांव के, वो भी एक्सपायर हो गए। 2 धड़ंदा गांव से एक्सपायर हो गए। और मैं सबसे पहले जो इस न्याय महापंचायत में पहुंचे उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। और जो न्याय महापंचायत ने निर्णय लिया है उसी के साथ हम खड़े। देखो जी, पुलिस ने कार्रवाई तो की है, इसको तो हम मना नहीं कर सकते, लेकिन जो मैन दोषी है वो अभी फरार है। और सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा यही है और उसको गिरफ्तार किया जाए। और एक मेरी हाथ जोड़ के विनती है जो भविष्य में सभी के काम आएगी, वो ये है, जो ये स्कूल था, जो इसके संचालक, डायरेक्टर, जितने भी प्रिंसिपल, जिन्होंने ये जान पूछ के घटना घटाई गई है, इन दोषियों की सारी चल अचल संपत्ति कुर्क करके सरकार अपने अंडर में ले और भविष्य में एक मिसाल बने और भविष्य में बच्चों के साथ ऐसा नहीं हो, ऐसा कदम उठना चाहिए। मैं ये सरकार से जो हमने महापंचायत ने, अध्यक्ष जी ने जो निर्णय लिए, जो बताए हैं, उनसे मंजूर। पिछली 11 अप्रैल 2024 को जो उन्हानी मोड़ के ऊपर एक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 6 बच्चों ने अपनी जान गंवाई और बहुत से बच्चे गंभीर रूप से घायल भी हुए, उसको लेकर आज एक महापंचायत का आयोजन उन्हानी मोड़ पर किया गया था मंदिर प्रांगण के अंदर, जहां पर ये फैसला हुआ सर्वसम्मति से कि जो जितने बच्चे एक्सपायर हुए हैं उनके परिवार वालों को 1 करोड़ रुपये मुआवजा दिया जाए, जो घायल हैं उनको 50 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए, जो स्कूल है उस स्कूल की मान्यता रद्द करी जाए, स्कूल संचालकों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और इस सब के लिए महापंचायत ने 1 सप्ताह का टाइम दिया है। अगर 1 सप्ताह तक सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है तो आने वाली 20 तारीख को एसडीएम कार्यालय का घेराव किया जाएगा और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ये है एक अंशु और एक यक्षु, उसकी उम्र 15 साल है, बड़े वाले की, छोटे वाले की 13 साल है। ये जो सड़क हादसा में स्कूल का जो ड्राइवर था उसकी सरासर गलती है। उसने अपनी मतलब
कोई रंजी समझ लो बच्चों के प्रति, गांव में उसको पीट दिया था खेड़ी में, तो उसके प्रति उन्होंने रंजस निकाली है बच्चों से, पेड़ के अंदर दीवार मतलब पेड़ से वो टकराई है और अचानक उसको बच्चों को कहते कहते आग भी रोको रोको इतने अंकल तेज मत चलाओ, कहने के बावजूद भी उसने अपनी जान बचा के आगे खिड़की से कूद करके और बस को पेड़ से टकरा कर छोड़ दिया। तो वहाँ बच्चों का ये दुर्घटना नहीं हुई बच्चे, बल्कि ये मर्डर किया गया जान के उस ड्राइवर ने, और न ही मैनेजमेंट ने, जो स्कूल का जीएल पब्लिक स्कूल की जो मैनेजमेंट है उन दोषियों को पकड़ा गया है। वो जो मामूली कोई पोचा भारी करने वाले थे, जो हुशियार सिंह जिसका नाम है, उसको पकड़ लिया, उसको कुछ भी नहीं पता है। और जो मेन दोषी है सुभाष, उसको अभी तक नहीं पकड़ा गया है। ये सरासर प्रशासन की गलती है, प्रशासन उनके दबाव में है, दबाव में रहने के कारण एक महीना आज हो चुका है, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी उसके प्रति पकड़ने के लिए। तो हमारी यही मतलब सरकार से या आप लोगों से विनती है कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए और उसको 2 दिन के अंदर अंदर अरेस्ट किया जाए। और बच्चे जो इनके जो 6 बच्चों का मर्डर हुआ है, इन बच्चों का नाम शहीद तो हो ही गया, लेकिन इनकी आत्मा को न्याय मिलने के लिए उस स्कूल को बंद कराया जाए और उसके निर्देशक को कम से कम फांसी की सजा दी जाए, मेरा तो यही कहना है। महापंचायत 11 अप्रैल को जो सड़क हादसा हुआ, बस हादसा हुआ, उसमें जो मृतक बच्चे हैं उनको न्याय दिलाने के लिए ये न्याय महापंचायत आयोजित की है आज यहाँ उन्हाणी में, और यहाँ 6 रेजोल्यूशन आज जो है महापंचायत में पास किए हैं, और सरकार से इन 6 रेजोल्यूशन को पास करके महापंचायत मांग करती है कि इस सारे हादसे की हाई कोर्ट के सीटिंग जज से जांच करवाई जाए। नंबर 2, जो एफआईआर में जो दोषी बचे हुए हैं, सुभाष नाम का दोषी बचा हुआ है, उसको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। नंबर 3, इस सारे प्रकरण में जो मृतक बच्चों के परिवार हैं, सरकार असंवेदनशील बनी हुई है, 3 बार मुख्यमंत्री यहाँ आ चुका और इसमें आचार संहिता भी कोई आड़े नहीं आती। तो हमारी मांग है कि मृतक बच्चों के परिवार को 1-1 करोड़ रुपया और घायल बच्चों के परिवार को 50-50 लाख रुपए और उनको ताउमर उनको जो है ना सरकारी राज्य सरकार उनको इलाज की सुविधा दे, और जो मृतक बच्चों के परिवार हैं उनको सरकारी नौकरी दी जाए। कमेटी नहीं बनाई गई, ये लगभग जो कनीणा जो ब्लॉक है, 54 गांव का जो ब्लॉक है उसमें, और जो बाहर से भी मतलब पूरा जिला के मोजीजान की ये मीटिंग थी, और हजारों लोगों ने आकर के आज न्याय लेने की जो है ना ओथ ली है, कसम खाई है कि जब तक मृतक परिवार के बच्चों को न्याय नहीं मिल जाता तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और 17 तारीख तक इन मांगों को सरकार ने मंजूर नहीं किया तो 20 तारीख को उपमंडल अधिकारी नागरिक तनीना के कार्यालय में धरना दिया जाएगा और न्याय लिया जाएगा। हड़ली से मेरा बेटा सत्यम जो इस सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, मेरा आज जो न्याय महापंचायत रखी है उसमें जो अध्यक्ष चुना गया है, जो कमेटी जो फैसला लिया है उन्हीं के साथ हमारा है, और समाज से यही विनती है कि हमारा साथ दें और इन बच्चों को न्याय दिलाएं। पुलिस ने जो कार्रवाई करी है अभी तक जो मेन आरोपी है उसके पास नहीं पहुंची है, तो उसको गिरफ्तार किया जाए और इन बच्चों को न्याय मिले, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, यही मेरी विनती है प्रशासन से। महापंचायत पिछला 1 महीना हो गया, हमारे बच्चे शहीद, मैं तो शहीद ही बोलूँगा, शहीद हो गए बच्चे, लेकिन सरकार ने आज तक ना कोई अनाउंस किया है ना किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई की है, और उसको लेकर के ये आस पड़ोस के जो 50-100 गांवों के ग्रामीण परेशान थे, इस चीज़ से दुखी थे, आए दिन अखबारों के माध्यम से, और झाड़ली और धड़ुंदा गांव के जो परिवार मतलब असहनीय पीड़ा से दुखी हैं, उनके लिए एक आमजन ने सब ने मिलकर के एक पंचायत महापंचायत का आयोजन किया है। महापंचायत में फैसला लिया गया कि भाई 17 तारीख को तक गवर्नमेंट कर दे, लेकिन हम ठीक है, महापंचायत के इस फैसले का स्वागत है। मंगलवार को, जो आने वाले मंगलवार को तहसील में
बलवान फौजी पूरे 100-200 आदमियों को लेकर के, और डीसी साहिबान से मेरी एसडीएम से बात हो गई है, एसडीएम साहब ने यह कहा कि मैं डीसी साहब को उस दिन स्पेशल, क्योंकि डीसी दरबार लगता है तो वो आती नहीं है चुनावों के माध्यम से, लेकिन मैं गांव वालों से रिक्वेस्ट की है कि एक बार मंगलवार को हम महेंद्रगढ़ डीसी ऑफिस में, क्योंकि मंगलवार को ही वो आती है, उस टाइम अपनी मांगों का पूरा उनको ज्ञापन देंगे, प्लस उनसे जो हमारे बच्चों के लिए 1-1 करोड़ रुपए की, जो शहीद हुए उनके परिवारों को और जो घायल हुए उनको 50-50 लाख रुपए, प्लस कानूनी कार्रवाई के लिए, उसी दिन डीसी साहब के मुंह से मैं करवाऊंगा कि ये अनाउंस करो आप सरकार का एक सिस्टम है कि आचार संहिता के टाइम दे नहीं सकते, लेकिन डीसी साहब उसको अनाउंस कर सकती है और आचार संहिता के बाद हमें दे सकती है, अन्यथा जो ग्रामवासी वहां पर होंगे उस टाइम जो पंचायत के सरपंच भी होंगे, हम जो आने वाला चुनाव है इसका भी बहिष्कार कर सकते हैं जी।